बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित हुआ हूँ दैनिक पंचांग के कार्यक्रम लेकर के। दैनिक पंचांग 18 सितंबर सन 2022, आज की तिथि वार नक्षत्र योगकरण की संपूर्ण विस्तृत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। आज का राहु काल का अशुभ समय क्या रहेगा, अभिजीत मुहूर्त और गोली काल का शुभ समय क्या रहेगा, शुभ चौगड़िया का समय आज क्या रहने वाला है, आज कौन सी दिशा में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए, इन तमाम बातों की जानकारी भी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज के सूर्य उदय के समय की। आज सूर्य उदय का समय 6:11 प्रातः काल का होगा। सूर्य अस्त का समय 6:19 सायंकाल का रहेगा। आज के सभी शुभ अशुभ मुहूर्तों को हम देखें तो राहु काल का शुभ समय 4:51 सायंकाल से लेकर के 6:23 सायंकाल तक रहेगा। अभिजीत का शुभ मुहूर्त 11:50 मध्याह्न काल से लेकर के 12:40 मध्याह्न काल तक का रहेगा। और गोलिक काल का समय 3:18 दोपहर से लेकर के शाम को 4:49 तक का रहेगा। शुभ चौगड़िया की बात करें तो आज की शुभ चौगड़िया प्रातः काल 9:11 से लेकर के 10:43 तक रहेगी और सायंकाल को 6:23 से लेकर के 7:51 का समय शुभ चौगड़िया का रहेगा। ध्यान रखिएगा राहु काल में किसी भी नए व खास कार्य को कभी भी शुरू नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त और गोलिक काल में सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। अभिजीत मुहूर्त में धर्म कर्म पूजा पाठ दान पुण्य के कार्यों को किया जाता है। गोलिक काल में यात्रा व्यवसाय नौकरी से संबंधित दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को करना चाहिए और चौगड़िया काल में विशेष आयोजन व विशेष पूजन किए जाते हैं। बात आज के पंचांग की करें तो आज आश्विन माह आश्विन माह की दो प्रविष्टा है। शरद ऋतु कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के साथ सूर्यदेव उदय होंगे। अष्टमी तिथि 4:34 सायंकाल तक रहेगी और उसके उपरांत नवमी तिथि होगी। आज का बाद रविवार यानी संडे का आज दिन रहेगा। मृगशिरा नक्षत्र 3:10 दोपहर तक रहेगा। उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र होगा। सिद्धि योग 6:32 प्रातः काल तक और उसके बाद व्यतिपात योग होगा। और आज कौलव करण 4:35 दोपहर तक रहेगा। उसके बाद तैतिर करण। आज जीवित पुत्री का व्रत किया जाएगा और साथ ही अष्टमी का श्राद्ध भी आज ही किया जाएगा। आज का दिशा स्वरूप पश्चिम दिशा का है तो आज पश्चिम दिशा में आपको यात्रा करने से विशेष रूप से बचना चाहिए। यदि आप नौकरी व्यवसाय कामकाज को लेकर के प्रतिदिन पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करते हैं तो आपको कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी खास काम से आवश्यक स्थिति में पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं तो आज दलिया अथवा घी का सेवन करने के बाद ही पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करें। और जब भी आप यात्रा के लिए घर से निकले उस समय देखें जिस भी नासिका छिद्र में से श्वास अच्छी तरह चल रहा हो यानी गतिमान स्थिति में हो उसी तरफ के पैर का पहला कदम रखकर के यात्रा शुरू करिएगा। निश्चित ही आपकी यात्रा सुखद व मंगलमय होगी। जिन दर्शकों का आज जन्मदिन है आप सभी दर्शकों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर आपको यश आयु कीर्ति प्रदान करें यही हम प्रार्थना करते हैं। जन्मदिन पर पूजन जरूर करें। जन्मदिन पर किया गया पूजन क्रूर ग्रह का दान 1 वर्ष तक लाभ देने का कार्य करता है, इसलिए जन्मदिन पर पूजन जरूर करना चाहिए। आप सभी का दिन मंगलमय हो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।